कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, बोले मुझे कांग्रेस वालों ने 91 बार गालियां दी, ये इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में करते तो खराब हालत नहीं होती। खड़गे के बयान पर राजनाथ का पलटवार, कहा कांग्रेस लोकतांत्रिक परंपराओं की कतर रही, पीएम व्यक्ति नहीं संस्था। कर्नाटक से प्रियंका गांधी का वार, बोली लोगों की सुनने के बजाय अपनी व्यथा सुनाने वाले हैं पीएम मोदी। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, महुआ मोइत्रा बोली क्या मजाक है। पीएम के बयान पर कांग्रेस का वार, बोले कर्नाटक में ध्रुवीकरण के लिए गंदी चालें चलने के लिए शाह और योगी पर छोड़ देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम समा एपिसोड का प्रोग्राम आज सुबह 11 बजे से प्रसारित हुआ। बताया जा रहा है कि यह एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात की शुरुआत हुई और आपके पत्र पढ़कर मैं कई बार भावुक हुआ और मन की बात में हमने नारी शक्ति का जिक्र किया है, साथ ही मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा है। संभल में नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के दुगुट आमने सामने आ गए। बता दें कि सपा सांसद निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल की पत्नी को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। वहीं सपा सांसद ने इकबाल महमूद की पत्नी को टिकट देना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को गलत निर्णय बताया है। भाई पंजूसराय में आज बहुत बड़ी तारीखी मीटिंग हुई है यहाँ भी, और ये भी चूँकि उसी का मया सराय का एक हिस्सा है, तो लिहाजा इन हालात को देखकर खुद आप फैसला कर लीजिएगा कि इंशाल्लाह हमारी शानदार फतह होगी। औरंगाबाद के सांसद ने कहा एमएनएम की पार्टी ने, बोले हमारी पार्टी में आ जाओ, आज बयान दिया हो ना, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी मैं कोई पार्टी नहीं बदल रहा हूँ, मैं तो अभी समाजवादी में हूँ। कहा इस बात के लिए, अरे तो कहा करो, लेकिन अभी किसी के कहने पर मैं अपनी पार्टी थोड़ी बदल रहा हूँ। नगर निकाय समान निर्वाचन 2023 के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार जयनारायण पीजी कॉलेज में पहुंचे और पीजी कॉलेज में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि जयनारायण पीजी कॉलेज में आयोजित होने वाला मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित हुआ, साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बुलंदशहर के कचहरी के पास एक रेस्टोरेंट में पशु फैट की सूचना पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पहुंचकर फैट के नमूने भरे। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट से बरामद फैट को लेकर रेस्टोरेंट मालिक ने अनभिज्ञता जताई है। फिलहाल फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने फैट के नमूने भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी है। जिसमें 25 तारीख में गवाही हो चुकी है और आज भी उसमें डेट थी 151 में सिटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने वहाँ तारीख करके आए थे, उसकी भी तारीख थी और उसकी घरवाली रवि ठाकुर, अखिल ठाकुर, अमित ठाकुर, विकास सन ऑफ जसमंत और डॉक्टर प्रकाश। कैसे रखे गए आपके दुकान में सामान? ये 2 कैंडिडेट भेजे उन्होंने, पहले मुझसे पूछने लगे झगड़ा तुम्हारा हुआ अखिल से, मैंने कहा साहब हमारा झगड़ा हुआ उसमें 25 तारीख लग गई, 25 तारीख में गवाही हो चुकी है, तो उन्होंने बताया ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपना काम करने लगा। आज आपको यह सूचना मिली है, क्या आपने देखा, क्या सैंपलिंग की है? फैट बताया गया, फैट विक्रेता ने बताया फैट, उसका नमूना जांच के लिए लिया जा रहा है। क्या सूचना मिली थी आपको?
पुलिस ने सामान यहाँ पे पड़ा हुआ पाया, उसने बताया दुकान पे फैट के आधार पर जांच किया जा रहा है। क्या कार्रवाई की गई आपकी? सैंपलिंग की जा रही है, रिपोर्ट के बाद अगली कार्रवाई होगी। कितने दिन में रिपोर्ट आ जाती है सर? रिपोर्ट 14 दिन बाद आती है। कानपुर के वार्ड 56 के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी नूर आलम को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद प्रत्याशी ने अपना जुलूस निकाला और जनता के सभी वर्ग के लोगों से मिलकर उनकी बात को सुना और अपने लिए वोट भी मांगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। बता दें कि अंबेडकर विचार संस्थान की ओर से विकास नगर के सेक्टर 8 गंजरवा पुरवा स्थित बाबा अंबेडकर पार्क में जयंती मनाई गई। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मोमबत्तियां भी जलाई। आपको बता दें कि अंबेडकर जयंती के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय पर महत्वपूर्ण विचार भी व्यक्त किए गए। इतना ही नहीं, उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को सलाह भी दी गई। संदेश यह देना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या व्यक्तित्व है, क्या पर्सनालिटी है, और जबकि मैं जो समझ पा रहा हूँ, दुनिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं, कोई प्रांत नहीं है, कोई देश नहीं है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह ना हो रहा हो। एक ऐसे व्यक्तित्व तो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, भारत में जो पैदा हुए हैं, दुनिया के कोने कोने में इनकी अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। आज ये पूरा प्रोग्राम है, लोग यहाँ पर आए हैं जी, इसके बीच मेन मुख्य कारण क्या है संदेश का? अभी तो मैंने आपसे चर्चा किया था। क्या नाम है आपका? मैं कुंज बिहारी संस्था का महामंत्री हूँ। आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या पूरा प्रोग्राम है, क्या कुछ संदेश है? इस संदेश से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पे उनके द्वारा देश को दिए हुए आरक्षण एवं अन्य सारी सुविधाएँ के लिए, महिला के लिए आरक्षण, महिला को प्रोत्साहन करने के लिए, महिलाओं के प्रति किए गए कार्यों के लिए, तथा भारत में भारत को संविधान दिया गया है उसके प्रति जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि लोगों को मालूम हो कि भारत का असली एवं विद्वान। संभल में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत बबराला में नवनिर्मित 4 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके क्षतिग्रस्त होने से पड़ोसी लोगों के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन गनीमत ये रही कि मकान क्षतिग्रस्त होने से पहले ही परिवार के लोग बाहर निकल चुके थे। वहीं बताया जा रहा है कि पड़ोसी लोगों ने अधिशासी अधिकारी पवित्रा त्रिपाठी को 27 फरवरी को शिकायत दी थी कि मकान क्षतिग्रस्त है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन शिकायत के बाद भी आज तक समस्या का निस्तारण नहीं हुआ और हादसा हो गया। वहीं मकान क्षतिग्रस्त होने के वजह को लेकर लोगों में आक्रोश है और घटना के बाद एसडीएम सीओ तमाम आला अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन प्रसाद। अच्छा, ये पीछे मकान है, ये किसका है? पीछे साइड में। हाँ, आपके पीछे साइड में ये हमारा मकान है। और ये जो बिल्डिंग गिरी है ये किसकी है? ये किशन का है। ये मकान कैसे गिर गया? ये किशन 3-4 मंजिल बनाने के बाद में नीचे मतलब वो बना रहा है टेंट गिर गया, टेंट का टेंट। ऐसे बार बार मने करने पर भी नहीं माना और फिर बाद में वो 3-4 मंजिल पर रुक ना पाया और वो गिर गई। अच्छा, जैसे आपका कहना है कि ये छोटी जगह थी, इसमें ज़्यादा बड़ा मकान बना दिया। हाँ, तो क्या इसका नक्शा पास नहीं था? नहीं, कोई नक्शा पास वगैरह नहीं है। आपने कभी किसी से अधिशासी अधिकारी से शिकायत? संभल के बबराला में मकान गिरा है, ये 6:30 बजे की घटना है। जानकारी प्राप्त हुई कि किशन शर्मा पुत्र गोपी वल्लभ 4 मंजिला घर का निर्माण कर रहे थे, जो टैंक खुदाई के दौरान धीरे धीरे करके ढह गया। अगल बगल के घरों की उसका कुछ मलबा गिरा है, जिसका मलबा हटाने का काम जारी है। इसमें अभी तक कोई पशु हानि या जनहानि नहीं है। सर, जैसे बोलने वालों का कहना है इस मकान को आप अगर अनुमति को बनाया जाता, नक्शा पास नहीं था, ये उसका रिसीविंग कॉपी है, तो ये जिम्मेदारी बनती, कोई कार्रवाई? इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी न्यायिक रूप से की जाएगी। नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ रहते हो? छतरी वाले कुआ बबराला। अच्छा, यहाँ पर जो मकान गिरा है, कैसे ये मकान गिर गया, क्या कारण रहा? मकान का कारण ये रहा, बिना नक्शा पास कराए 4 मंजिल मकान बनवा दिया, उसके बाद मकान बनने के बाद नीचे लेटरिन का टैंक खुदवा दिया 7 फुट। मकान 25 गज जगह थी,
कितनी मंजिल था ये? चार मंजिल। अच्छा ये बताइए इसमें आपका मकान गिरा है? हाँ मेरा मकान गिरा है बराबर। बताया जा रहा है सामने वाला एक मकान और गिरा? हाँ दो मकान गिरे है, एक मेरा और एक सामने वाला बराबर वालों का। उनका भी नुकसान हुआ है? उनका हुआ 50 लाख का नुकसान। अच्छा इसमें क्या शिकायत की गई थी? जब गलत तरीके से भर रहा था, मानक के अनुरूप नहीं भर रहा था, तो आपने बुलंदशहर के अनूपशहर कस्बे से कथित पत्रकार ने सोशल मीडिया पर पूर्व सभासद नईम की ऑडियो को वायरल किया है, जिस पर पूर्व सभासद नईम ने बताया कि एक पत्रकार ने ऑडियो को एडिटिंग करके वायरल किया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से पूर्व सभासद प्रत्याशी नईम थे और नईम ने वार्ड नंबर 11 में कई विकास भी कार्य करवाए थे। जी वो एक शकील सैफी हैं जिन्हों के द्वारा जो ऑडियो वायरल की जा रही है वो एकदम गलत है और बसपा की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। शकील सैफी एक बदनाम व्यक्ति हैं और हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को खराब करना चाहते हैं और अवधेश शर्मा उर्फ पिंकी शर्मा एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम करना चाहते हैं। शकील सैफी द्वारा जो ऑडियो चलाई जा रही है वो एक एडिटिंग की गई हुई है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है ना कुछ ऐसी कोई बात है। मैं बसपा का ही एक सक्रिय कार्यकर्ता। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ हो रहा था, जिसको लेकर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और वीडियो के विश्लेषण से उस व्यक्ति की पहचान मुस्तकीम निवासी पसोंडा थाना टीला मोड़ के रूप में हुई है, जिसे चेकिंग के दौरान थाना टीला मोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जिस वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, इस पर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। वीडियो के विश्लेषण से उक्त व्यक्ति की पहचान मुस्तकीम के रूप में हुई, जो कि पसौंडा थाना टीला मोड़ क्षेत्र का रहने वाला था तथा पार्षदी का चुनाव लड़ रहा था। उक्त व्यक्ति थाना टीला मोड़ क्षेत्र से जिला बदर भी है, जिसको आज चेकिंग के दौरान थाना टीला मोड़ के क्षेत्र में ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा यह पाया गया कि वह गुंडा अधिनियम के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस पर पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अनिवार्य कार्रवाई की जा रही है। बदायूं में बेलसी थाना क्षेत्र के करणपुर गांव में मक्का की रखवाली कर रहे युवक की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक का खेत पर ही गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की जाँच शुरू कर दी है। जनपद बदायूं के बिलसी थाना अंतर्गत करणपुर गांव में मनोज, जिनकी उम्र लगभग 26 वर्षीय है, उनके साथी वीर सिंह तथा अन्य दो लोगों ने आज किसी बात पर यहां पे उनके मक्के के खेत के पास झगड़ा हुआ, जिससे उनकी पीट कर हत्या कर दी। इस संदर्भ में परिजनों द्वारा हत्या का अभियोग पंजीकृत बिलसी थाने पर कराया जा रहा है। इसमें शीघ्र ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के अरौला क्षेत्र स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से गाजीपुर की तरफ जा रहे बोलोरे पीछे से एक बांस लदे ट्रैक्टर टाली में घुस गई और इस भीषण हादसे में बोलोरे सवार 3 महिलाओं सहित 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया। बता दें कि सभी पीड़ित देवरिया जनपद के मऊआडी की निवासी हैं। वही घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को चालक सहित हिरासत में ले लिया गया है और पीड़ित परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अगली कार्रवाई की जाएगी। अरौला क्षेत्र में रात्रि लगभग 11:30 बजे लखनऊ से गाजीपुर की दिशा में जा रही बुलेरो का एक्सीडेंट एक ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गया, जिसमें बांस लदे थे। एक्सीडेंट में 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 स्त्री व 2 पुरुष हैं। ये सभी महुआ डी देवरिया के रहने वाले हैं। एक महिला जिसका नाम किरण है वह दुर्घटना में घायल हुई है, जिसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, वहाँ से इसे वाराणसी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट करने वाले ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है, वह इसका चालक हिरासत में है। परिवारजनों को सूचना दे दी गई है।
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।